Dear students, I welcome you in the course of leadership, emotional intelligence, and decision making. This is module number 25, and we're going to talk about a psychodynamic approach, which we will organizational coaching and consultation. When we talk about organizational coaching and consultation, so there are certain things which leader needs to understand and obviously follow. So, organizational diagnosis and intervention is the first point. ताकि वो ये बात जान सके कि ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज हैं जो डायलमाज हैं वो क्यों क्रिएट कर रहे हैं उनका डायग्नोस वो कर डायग्नोसिस कर सकें और ये बात जान सकें कि अब किन इंटरवेंशन से हम इन प्रॉब्लम्स इश्यूज डायलमाज को वो हल कर सकते हैं एज़ यू ऑल मे नो कि इंटरवेंशन का जब हम जिक्र करते हैं तो देर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन देर कैन बी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन देर कैन बी स इंटरवेंशन ह्यूमन प्रोसेस इंटरवेंशन टेक्नोस्ट्रक्चरल इंटरवेंशन डिफरेंट इंटरवेंशन से हम ऑर्गेनाइजेशनल इशूज को एड्रेस वो करते हैं सो एक लीडर के पास ये कैपेबलिटी होनी चाहिए कि वो डायग्नोज कर सके प्रॉब्लम्स को और प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के बाद वो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन पॉइंट वो डिवेलप कर सके देअर फोर वट लीडर नीड्स टू डू इज बेसिकलीट ही और शी नीड्स टू फोकस ऑन सिम्टम्स नॉट कॉजेस वजूहत क्या थी जहां से बात का आगाज हुआ प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ग्रास रूट लेवल इशूज क्या थे तो उन तमाम तमामग्रिटीज को जानने के बाद ही एक लीडर इस कैपेबिलिटी में आता है कि वो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन से उस मसले को हल कर सके द सेकेंड थिंग द लीडर नीड्स टू लुक एट द लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंटल प्रस्पेक्टिव नॉट ओनली जस्ट ऑन द क्विक फिक्सिस बिकॉज अ मैनेजर में गो फॉर क्विक फिक्सिस बट अ लीडर नीड्स टू टॉक अबाउट डेवेलपमेंट दीडर नीड्स टू लुक एट लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स दीडर नीड्स टू लुक एट ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी सरवाइवल वो कैसे मुमकिन होगा सो so, हम क्विक फिक्सिस के मसले से निकलकर क्विक फिक्सिस के इशू से निकलकर हम डेवेलपमेंटल एंड चेंज मॉडल्स को यूज करते हैं ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अपना सर्वाइवल नजर वो आ सके द थर्ड थिंग इज जब हम इंटरवेंशन डायग्नोसिस की बात करते हैं कि फोकस्ड फोकस्ड इंटरवेंशन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड और तभी डेवलप होगी जब आपके पास अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस वो मौजूद हो एंड एज यू ऑल मे नो कि जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस वुड बी डन एट थ्री लेवल्स इट कैन बी इंडिविजुअल लेवल डायग्नोसिस इट कैन बी ग्रुप लेवल डायग्नोसिस एंड इट वुड बी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डायग्नोसिस जब डायग्नोसिस तीन लेवल्स पर है तो इसी तरह इंटरवेंशन भी आपकी इंडिविजुअल लेवल इंटरवेंशन ग्रुप लेवल इंटरवेंशन और ऑर्गेनाइजेशनल इंटर लेवल इंटरवेंशन जो हैं, वो डिस्कस की जाती हैं। जब हम विस्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप की बात करें तो उसमें हमें अप्रोप्रिएट इमोशंस को डिस्प्ले करना है बिकॉज अप्स एंड डाउन सिर्फ एक लीडर की लाइफ में नहीं है अप्स एंड डाउन उसके फॉलोअर्स की लाइफ में भी हैं ना फॉलोअर्स को लीडर को आइडियलाइज प्रस्पेक्टिव में देखना चाहिए और ना लीडर को फॉलोअर्स को आइडियलाइज आइडियालाइज में वो देखना चाहिए बिकॉज एज यू नो के लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में जब हम फॉलोअर्स का जिक्र करते हैं तो फॉलोअर्स कैन बी विलिंग एंड एबल फॉलोइंग फॉलोअर्स कैन बी नॉट विलिंग एंड एबल फॉलोइंग फॉलोअर्स कैन बी विलिंग बट नॉट एबल तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास फॉलोअर का जो परस्पेक्टिव है वो काउंट होता है तो लीडर को फॉलोअर्स के साथ जो एसोसिएटेड कंडीशन हैं उनको समझना है और वो तभी समझ पाएगा जब वो अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएटली डिस्प्ले वो करे और वो साथ ही साथ इमोशनल लेबर को भी यूज करना जानता हो बिकॉज बाजात आपके इनर वर्ल्ड में आपके इनर थिएटर में जो स्क्रिप्ट लिखे हैं आप उनको एज सच डिस्प्ले नहीं करना चाहते सो यू नीड टू गो फॉर इमोशनल लेबर

जो एस्पेक्ट्स एंड डेफिशेंसीज हैं उनको दूसरों पर प्रोजेक्ट कैसे करता है दूसरों की जात में वो अपने अक्स को कैसे देखता है बिकॉज ऑब्वियसली उसके फॉलोअर्स भी उसको आइडियालाइज कर रहे हैं और वो भी अपना अक्स उसमें देखना पसंद करते हैं लाइक वाइज जब वो फॉलोअर्स के साथ एसोसिएशन में है तो वो थमेटिक यूनिटी वो क्रिएट कर सके वो ये बात जान सके कि लोग किसी माहौल में किसी इन्वामेंट में वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और उनके उस ऑपरेट करने के दौरान उनके इमोशंस मूड्स डेवलपमेंट ऑफ थॉट साइकोलॉजी ये तमाम चीजें आपस में क्या मायनी बना रही हैं बिकॉज़ इस एसोसिएशन से इस ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप से इस ताल्लुक से हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिस एनवायरनमेंट में द पीपल आर एबल टूDemonstrate द बेटर कंसर्न्स एंड दे आर एबल टू कम अप विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अगर हम ये सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर हमारे लिए जरूरी है कि हम फॉलोअर प्रस्पेक्टिव में सोचें उनको हम डायग्नोज करना जाने, हम ऑर्गेनाइजेशन परस्पेक्टिव में सोचें ऑर्गेनाइजेशन को डायग्नोज करना जाने, और हम इस बात पर फोकस करें कि किन इंटरवेंशन से हम क्रिएटिव इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग सोलूशंस तक पहुंच सकते हैं